गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। रिफ्लेशन को हम हिंदी में मुद्रा संस्फीति कहते हैं और स्टैगफ्लेशन को हम निस्पंद स्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन के कारण जब आर्थिक मंदी छा जाती है, बेकारी फैल जाती है, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था सब चौपट हो जाते हैं तथा आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त होकर निराशा छा जाती है, तो इन दुष्प्रभावों के निराकरण व अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान यानी रिकवरी के उद्देश्य से जानबूझकर मुद्रा प्रसार किया जाता है। साख तथा मुद्रा की मात्रा में जानबूझकर वृद्धि की जाती है। इसी प्रवृत्ति को मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। प्रोफेसर कोल के शब्दों में, जब जानबूझकर मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए मुद्रा प्रसार किया जाता है तो इसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। यद्यपि देखिए, मुद्रा स्फीति और मुद्रा संस्फीति दोनों में मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु पहला जो है मुद्रा स्फीति क्या है, परिस्थिति वश है, परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि संस्फीति जानबूझकर या कृत्रिम ढंग से उत्पन्न की जाती है। अब हम मुद्रा स्फीति और मुद्रा संस्फीति में मुख्य अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य से संबंधित। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य रोजगार और उत्पादन पर मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर कर अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना है, जबकि मुद्रा स्फीति का उद्देश्य अनिश्चित होता है। प्रारंभ की अगर बात करें तो मुद्रा संस्फीति का प्रारंभ मुद्रा संकुचन की चरम सीमा के बाद होता है, जबकि मुद्रा स्फीति सामान्य स्तर से प्रारंभ होती है। विधि की अगर बात करें तो मुद्रा संस्फीति एक जानबूझकर अपनाई गई आर्थिक नीति है, जिसमें मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर करने का उद्देश्य निहित है, जबकि मुद्रा स्फीति अनिश्चित होती है। नेक्स्ट है नियंत्रण से संबंधित। चूंकि मुद्रा अपस्फीति जानबूझकर की जाती है, अतः यह पूर्ण नियंत्रण में रहती है और इसे हम जहां चाहे रोका जा सकता है, परंतु मुद्रा स्फीति अनिश्चित होने से यह आग की तरह फैलती है, कई बार नियंत्रण असंभव हो जाता है। प्रभाव की अगर बात करें तो मुद्रा संस्फीति में संकुचन और आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को रोकने और उनको समाप्त करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की अवस्था लाई जाती है। यह देखिए मृत प्राय अर्थव्यवस्था में जीवन संचारित करती है ताकि जनजीवन सामान्य और सुखद हो सके, परंतु मुद्रा संस्फीति के दुष्प्रभाव जो हैं वो दुखद होते हैं, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था सामान्य से तेजी की ओर बढ़ती है, महंगाई के बढ़ने से जीवन कष्टप्रद और आर्थिक वितरण अन्यायपूर्ण हो जाता है। मुद्रा संस्फीति के संबंध में मुद्रा संस्फीति के उपायों पर हम प्रकाश डालें तो मुद्रा संस्फीति में वे ही सारे उपाय जानबूझकर के अपनाए जाते हैं जो कि मुद्रा संकुचन को दूर करने के लिए अपनाए जाते हैं, जैसे मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, भौतिक उपाय, और मुद्रा संस्फीति को कभी कभी हम मुद्रा प्रत्यय स्फीति भी कहते हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि निस्पंद स्फीति क्या है, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र विकास के साथ 1960 के वर्षों तथा मुख्यतः 1973 के बाद संसार के कई औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एक नया विचित्र और विरोधाभासी आर्थिक संकट पैदा हुआ। इन देशों में जहां एक और तीव्र मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति है, वहां साथ साथ आर्थिक शिथिलता, बेकारी में वृद्धि तथा आर्थिक विकास की गति रुक गई है। इस प्रकार कीमतों में तेजी तथा आर्थिक विकास में शिथिलता, इसकी इस विचित्र स्थिति को व्यक्त करने के लिए निस्पंद स्फीति शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। निस्पंद स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में उस विचित्र और विरोधाभासी स्थिति में से है जिसमें
आर्थिक निष्क्रियता यानी इकोनॉमिक रिसेशन तथा मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन साथ साथ मौजूद रहे, यानी इकोनॉमिक रिसेशन और इन्फ्लेशन एक साथ जब मौजूद होते हैं तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह एक प्रकार से आर्थिक निष्क्रियता और मुद्रा स्फीति की निश्चित मिश्रित जो अवस्था है या स्थिति है उसको व्यक्त करता है। चूंकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक गिरावट तथा मुद्रा स्फीति का मिश्रित रूप एक साथ मौजूद होते हैं, इसलिए जो है कुछ जो विद्वान है इसको शिथिलता मिश्रित स्फीति यानी स्लंप इन्फ्लेशन की संज्ञा भी देते हैं। अब कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, एक दो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड जी लिप्से और के क्रिस्टल के अनुसार निस्पंद स्फीति का अभिप्राय मंदी जिसमें तीव्र बेकारी तथा मुद्रा स्फीति दोनों के साथ साथ उत्पन्न होने से है। स्टैगफ्लेशन मींस द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ अ रिसेशन विद इट्स अकॉम्पनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। फिर डॉर्नबुश और फिशर के शब्दों में निस्पंद स्फीति उस समय होती है जब मुद्रा स्फीति बढ़ती है तथा उत्पत्ति की मात्रा या तो गिरती है अथवा कम से कम बढ़ती तो नहीं है। स्टैगफ्लेशन अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस व्हाइल आउटपुट इज आइदर फॉलिंग और एटलीस्ट नॉट राइजिंग। तो आपने देखा कि इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि निस्पंद स्थिति में महंगाई और मंदी दोनों के परस्पर विरोधी लक्षण साथ साथ देखने को मिलते हैं। जहां एक और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा के घटने या स्थिरता से बेकारी की स्थिति साथ साथ पाई जाती है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, निस्पंद स्फीति का डेफिनेशन क्या है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कारण क्या है निस्पंद स्फीति के। तो निस्पंद स्फीति के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। देखिए, जहां एक और तेल कीमतों में भारी वृद्धि इसका कारण मानी जाती है, वहां दूसरी ओर औद्योगिक देशों में लंबे समय तक मुद्रा स्फीति की स्थिति निस्पंद स्फीति का मुख्य कारण बताया जाता है। कीमतों में वृद्धि के कारण जब सरकार अपने बढ़ते खर्चों की पूर्ति के लिए घाटे के बजट बनाती है, विनियोग वृद्धि हेतु मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में उदारता दिखाती है, उससे कीमतों में तो वृद्धि हो जाती है किंतु राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार में उसके अनुकूल वृद्धि नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के साथ साथ आर्थिक शिथिलता और बेरोजगारी की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। रूस और अन्य कई साम्यवादी जो राष्ट्र हैं, जहां नियोजित विकास किया जाता है, वहां निस्पंद स्फीति की समस्या नहीं है। अब हम भारत की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो भारत में भी यह विचित्र और विरोधाभासी जो आर्थिक संकट है पिछले कई वर्षों से दृष्टिगोचर हो रहा है। जहां एक और कीमतों में निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि का रुख रहा है, वहां दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति है वो इतनी धीमी है कि जनसंख्या में वृद्धि और बढ़ती बेकारी के कारण अर्थव्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और आर्थिक निष्क्रियता की मिश्रित अवस्था साथ साथ मौजूद है। भविष्य की अनिश्चितता को रोकने तथा स्थिरता के साथ तीव्र विकास करने के लिए एक उपयुक्त नीति अपनाने की आवश्यकता है। भारत में देखिए, जहां एक और सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था जब करती है सरकार, तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर आयात नियंत्रण, निर्यात वृद्धि, करों में वृद्धि, लागतों में वृद्धि, उत्पादन में कमी या निष्क्रियता, अकाल, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, इन सबसे जो है मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ती है। भारत में लोग देखिए अपनी आय का बहुत बड़ा भाग अनिवार्यताओं, नेसेसिटीज जैसे रोटी, कपड़ा, मकान पर खर्च करते हैं
और मुद्रा स्फीति के कारण उन पर ही आय का अधिकांश भाग जो है वो खर्च हो जाता है। तो अन्य वस्तुओं के लिए और खास तौर से इंजीनियरिंग औद्योगिक माल की कुल मांग कम रह जाती है। इससे मुद्रा स्फीति के साथ साथ औद्योगिक शिथिलता, औद्योगिक बेकारी की स्थिति आर्थिक विकास को अवरुद्ध सा कर देती है। इससे मुद्रा स्फीति और आर्थिक निष्क्रियता की मिश्रित स्थिति की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। भारत में देखें, अगर हम देखें तो 1963 से 1972, 1975 से लेकर 1991 तक ये जो है स्टैगफ्लेशन की जो अवस्थिति है वो देखने को मिली है, और पिछले कई सालों में भी ऐसी स्थिति भारत में देखने को मिली है। अब उपाय क्या किए जा सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल स्टैगफ्लेशन? तो देखिए, निस्पंद स्फीति की जो विचित्र और विरोधाभासी जो आर्थिक संकट जो है उसके प्रभावी नियंत्रण या इफेक्टिव कंट्रोल के लिए जहां एक और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय करने होते हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी प्रयास करने जरूरी होते हैं। अतः इस विषम स्थिति से निपटने के लिए समग्र पूर्ति को अल्पकाल और दीर्घकाल में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आयकर में कटौती तथा रियायतों से उत्पादन की खपत और मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उत्पादकों को भी कई सारी रियायतें देती है सरकार, जैसे बैंक ब्याज दरों में कटौती, अप्रत्यक्ष करों में रियायतें, उत्पादन वृद्धि के लिए अनुदान, अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना जैसे विद्युत, परिवहन, संचार सेवाओं का द्रुत गति से विकास और आर्थिक उदारीकरण की नीति को जो है बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है। विदेशी पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के भी प्रयास किए जाते हैं। भारत में भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ साथ उत्पादन, रोजगार तथा लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज हमने जो टॉपिक स्टडी किया है, रिफ्लेशन एंड स्टेगफ्लेशन, अच्छे से समझ में आ गया होगा।